नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। सारे मनमुटाव को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पर सहमति जता दी है। जी हाँ, ये समारोह आज होने वाला है। सिद्धू ने अब तक कैप्टन से माफी नहीं मांगी है। माना जा रहा है कि पार्टी आला कमान के निर्देश के बाद कैप्टन ने समारोह में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। कैप्टन की शर्त थी कि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई अभद्र शब्दावली को लेकर सिद्धू के माफी मांगने पर ही वो उनसे बात करेंगे। कैप्टन ने अब तक सिद्धू को उनके प्रदेश प्रधान बनने पर बधाई भी नहीं दी है। सिंसवा से लौटकर विधायक कुलजीत नागरा ने बताया कि कैप्टन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। साथ ही सिद्धू के अलावा पंजाब के कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डेनी, संगत सिंह गिलजिया और पवन गर्ग भी आज ही अपना पदभार संभालेंगे। समारोह में पंजाब प्रभारी हरीश रावत समेत सुनील जाखड़ और पार्टी के सभी विधायकों, मंत्रियों और सांसद भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों के बीच खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने एग्जिट के संकेत दे दिए हैं। जी हां, येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी ने उनके काम पर भरोसा कर 75 की उम्र पार करने के बावजूद भी उन्हें मौका दिया और 25 जुलाई को उनकी सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद एक कार्यक्रम भी रखा गया है और उसके बाद आलाकमान जो भी कहेगा वो उसे स्वीकार करेंगे। साथ ही पार्टी को वापस सत्ता मिलाने का काम भी करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों, लिंगायत संतों का भी धन्यवाद किया और उनके सहयोग की अपील भी की। वहीं येदियुरप्पा के इस बयान से ऐसा लगता है कि आलाकमान को काफी राहत मिली होगी। वजह साफ है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज होने के साथ ही लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा के समर्थन में आवाजें अब उठने लगी हैं। विपक्ष कांग्रेस के भी बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा के बचाव में आ गए हैं और बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दी है कि लिंगायत समुदाय को नाराज न करें और येदियुरप्पा बड़े नेता होने के नाते उनकी डिग्निटी बनाए रखें। इन नेताओं की लिस्ट में बड़े लिंगायत नेता एमबी पाटिल और श्यामानूर शिवास करकप्पा भी शामिल हैं। इसके बाद लिंगायत समुदाय के कई संतों का येदियुरप्पा के घर जमावड़ा भी देखा गया। हर दिन एक एक दल उनसे मिलने पहुंच रहा है, जिनसे लिंगायत के बड़े मठ सिद्धगंगा मठ के सिद्धलिंगा स्वामी जी भी शामिल थे। आज भी करीब, बता दें, 500 संतों ने येदियुरप्पा के घर जाकर पैदल मार्च किया। कल ये पैदल मार्च किया गया था और इससे येदियुरप्पा का जो है अब सत्ता में बने रहने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। तो बता दें, सीएम येदियुरप्पा ने एग्जिट के संकेत दिए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें लगातार जो है समर्थन मिल रहा है, उससे लग रहा है कि येदियुरप्पा अभी भी सत्ता में रहेंगे। पेगागस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ ईडी समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किए जाने की आशंका है। गुरुवार कई और नामों की लिस्ट जारी की गई, जिनमें अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। हालांकि ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि अनिल अंबानी वर्तमान में इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इस बारे में फिलहाल एडीजी से रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दरअसल न्यूज वेबसाइट द वायर ने एक खबर के छापी थी, जिसके मुताबिक जिन फोन नंबरों का अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया, वो नंबर उस लीक लिस्ट में शामिल है, जिसका विश्लेषण पेगागस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दसा एविएशन के प्रतिनिधि वेकेंट राव पोसीना, साब इंजन के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत रिसियाल और बोइंग इंडिया के प्रमुख प्रत्युष कुमार के नंबर भी 2018 और साल 2019 में कई अवधि में लीक आंकड़ों में शामिल हैं। वहीं फ्रांस की कंपनी एनर्जी ईडीएफ के प्रमुख हरमजीत नेगी का फोन नंबर भी लीक आंकड़ों में शामिल है। वहीं इस अवधि के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की भारत यात्रा के दौरान आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से धनबाद के विनोद बिहारी महतो
कोयलाचंद विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में वर्चुअल के जरिए शामिल होकर छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। राज्यपाल बैस से कहा कि समारोह के आयोजन पर खुशी तब और ज्यादा होती जब संक्रमण की विषम परिस्थितियां नहीं होती और मैं अपने प्यारे छात्र छात्राओं के जरिए शामिल हो पाता, उनसे मिल सकता और प्राकृतिक और खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में विकास की ज्यादा संभावना है, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम इनको सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका होती है और शिक्षण संस्थान ज्ञान केंद्र होते हैं, भविष्य को गढ़ते हैं। साथ ही दीक्षांत समारोह के दिन विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान, उनके उमंग और उनके उत्साह का क्षण दीक्षांत समारोह की गरिमा को और ज्यादा बढ़ा देता है। बता दें, ज्ञान और सूचना तकनीक के कई आयामों के जरिए ही हम विकास की गति को तेज कर सकते हैं। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का बड़ा टारगेट रखा गया है। जी हां, पटना में 25 जुलाई तक सभी शहरी 75 वार्डों को 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन टीका नहीं है। टीका के ये टारगेट कैसा पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल टीके की कमी की वजह से पटना में शुक्रवार को 34 सेंटर को बंद कर दिया गया है और मात्र 9 सेंटर पर ही वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ ही टीका एक्सप्रेस को भी शहरी क्षेत्र में लगाया जाएगा और पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कोवैक्सीन की डोज लोगों को दी जाती है, यहां भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। वहीं प्रशासन की माने तो यहां वैक्सीन की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। अब ऐसे लोगों को इस सेंटर से वापस लौटना होगा जो कोवैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और दूसरी उनकी बाकी है। तो बता दें, बिहार में एक बार फिर से टीके का संकट जो है वो खड़ा हो गया है। देश में एक बार भारत में फिर से वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो धीमी होती नजर आ रही है और बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ टीके का टारगेट जो है रखा गया था, लेकिन तमाम ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहां पर टीका उपलब्ध नहीं है और कुछ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उन ताला भी अब तक लग चुका है। देश में चल रहे फोन टैपिंग और महंगाई के मामले का असर अब बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी इन सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार पर नरम रुख रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ज्यादा आक्रामक दिखे। वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं होने वाले बयान पर भी चिराग ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि इस घटना से आप मुख्यमंत्री की सक्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री पूरी तरह से बिहार और बिहारियों की हालात से वाकिफ नहीं है। बिहार के लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री को तो बाढ़ के बारे में भी कोई पूरी जानकारी नहीं है, वो सिर्फ हवाई यात्रा ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चिराग ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी एक बार सड़क मार्ग से भ्रमण के लिए तो निकलिए, तब आपको सही जानकारी मिल पाएगी। तो बता दें, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और काफी तंज कसते हुए उन्होंने कि हालांकि केंद्र सरकार पर तो नरमी बरती, लेकिन नीतीश कुमार पर उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता के बारे में ही नहीं पता है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। वहीं उन्होंने अपनी विशेष इस्पात योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया। बता दें, केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि नई विशेष इस्पात उत्पादन योजना से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इसमें करीब 70,000 से कम लोग प्रत्यक्ष रोजगार होगा उनके लिए। और साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष इस्पात के उत्पादन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी भी दी है। वहीं मंत्री के मुताबिक भारत विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनेगा। इस योजना की अवधि 5 साल की होगी और इसके लिए 6,322 करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया जाएगा। साथ ही इससे करीब 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की भी उम्मीद है।
तो बता दें, इस्पात मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी थी। 9वीं से 12वीं की कक्षा के स्कूल खोलने के बाद हरियाणा में शुक्रवार को 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए स्कूलों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हालांकि इस दौरान कोविड नियमों का पालन कराना होगा और रोस्टर के हिसाब से 50% तक ही विद्यार्थी आ सकेंगे। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति की जरूरी भी होगी। साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को साइकिल से आने और अपने घर से पीने का पानी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बच्चों को मिड डे मील भी नहीं दी जाएगी और कक्षा में डेस्क पर बच्चों का नाम अंकित भी होगा और आने और जाने के लिए अलग अलग दरवाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। एक कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। बता दें, प्रदेश में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। इस समय प्रदेश में कोरोना के केस कम हो गए हैं, इसी के चलते अब अन्य कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि अभी पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं। तो बता दें, हरियाणा सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब 9वीं से 12वीं के बाद अब कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। हालांकि रोस्टर भी जारी किया गया है जिसके मुताबिक बच्चों को आना होगा और एग्जिट के लिए स्कूल से आने और स्कूल से बाहर जाने के लिए अलग अलग दरवाजों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व स्नान सांकेतिक होगा। श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित ही सांकेतिक रूप से पूजन कर स्नान कर सकेंगे। हालांकि 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लेने की अनुमति दी गई है। साथ ही नेगेटिव रिपोर्ट से श्रद्धालु हरिद्वार तो आ सकेंगे लेकिन गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। वहीं हर की पैड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी भी रहेगी। बता दें, कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 25 जुलाई से श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले भक्त गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में रहने वाले अपने गुरुओं का पूजन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए आने के लिए अपनी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी और साथ ही बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी गंगा स्नान पर रोक रहेगी। वहीं डीएम सी रविशंकर ने बृहस्पतिवार को इस के आदेश भी जारी कर दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची शहर के 84 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में जयपाल सिंह स्टेडियम, मोहराबादी मैदान और बड़े तालाब का सौंदर्यीकरण, कांके रोड में अर्बन हाट का निर्माण, शहजानंद और अगोड़ा चौक का सुधार कार्य सहित सड़क और नाली निर्माण भी शामिल है। बता दें, शहर की प्रमुख सड़कों पर पेवर्स, चेकर्स और स्टील रेलिंग लगाने का भी शुभारंभ किया जाएगा। कचहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में आज 12 बजे से समारोह का आयोजन किया जाएगा और समारोह में नगर विकास विभाग और रांची नगर निगम के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही जयपाल सिंह स्टेडियम के सौंदर्यीकरण पर सरकार 4 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च भी करेगी और इस राशि से फुटबॉल ग्राउंड भी बनाया जाएगा। बाराबंकी में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया है। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए संभागीय परिवहन विभाग से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विभाग को इस साल 10% हादसों में कमी लाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं एआरटीओ कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह का बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने शुभारंभ किया और उसके बाद परिवहन व्यवसाय से जुड़े ट्रक, बस, ऑटो यूनियन, रोडवेज के चालक और परिचालकों की एनजीओ के साथ बैठकर जागरूक भी किया गया। वहीं प्रदूषण जांच केंद्र की चेकिंग, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग भी की गई और साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल प्रयोग, सीट बेल्ट न लगाने वाले लोगों का भी वीडियो क्लिप दिखाकर उन्हें जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है
और इसका उद्देश्य यही है कि जो नियम है उसका लोग पालन करें, उनको इस संबंध में जागरूक किया जाए और लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, कम से कम दुर्घटनाएं हों, अपनी सुरक्षा के प्रति लोग अलर्ट रहें, जागरूक रहें, ये इसका उद्देश्य है। वहीं रामपुर में मिलक के भारतीय स्टेट बैंक से 20 लाख रुपए का कैश चोरी हो गया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी सिंह बैंक भी पहुंचे और सीओ श्रीकांत प्रजापति और कोतवाल अरविंद कुमार त्यागी बैंक की सीसीटीवी फुटेज चेक भी की, जिसमें एक युवक पैसे ले जाता हुआ दिख रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बता दें, बैंक एसबीआई बैंक से 20 लाख रुपए की चोरी की गई है। हालांकि जब जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक बैंक में चोरी कर रहा है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौके पर घटना के बाद पुलिस पहुंची और लगातार पुलिस वहां पर मौजूद कर्मचारियों और लोगों से पूछताछ भी करती रही। हालांकि अभी तक युवक को पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस छानबीन में जरूर जुट गई है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि युवक बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं किस तरह से युवक चोरी की घटना को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दे रहा है। कस्बा मिलक के अंतर्गत एसबीआई बैंक है, जिस पर आज 11:56 पर जो फुटेज देखा गया है उसमें एक आदमी के द्वारा कैश जो रखा गया था काउंटर पे वो लेकर के जाया गया है, पीछे की तरफ रखा गया था कैश। यहाँ जो सूचना प्राप्त हुई थी वो हम लोगों को सूचना करीबन 1:15 के बीच में प्राप्त हुई। जो सूचना दी गई है वो थोड़ा डिले से सूचना दी गई है, ये भी एक संदिग्धता महसूस होती है। फिर भी जो बैंक की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में मिलावटी शराब की अवैध बिक्री की जा रही थी। वहीं एसडीएम ने दुकान पर छापेमारी की, जिसमें एसडीएम ने मौके से 800 फर्जी बारकोड और करीब 2 लाख रुपए नकदी भी बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बता दें दुकान में नकली शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली, मौके पर पहुंची पुलिस ने मिलावटी शराब की अवैध बिक्री करने वाले पर शिकंजा कसा है और दुकानों में नकली शराब बेची जा रही थी। साथ ही मौके से पुलिस ने 800 फर्जी बारकोड और करीब 2 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है और इसके साथ ही पुलिस ने सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बता दें, मिलावटी शराब की अवैध बिक्री की जा रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने लगातार अभियान चला रही है। पुलिस फतेहपुर का यह पूरा मामला है। फतेहपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस अब काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी के तहत पुलिस ने मिलावटी शराब की अवैध बिक्री कर शिकंजा कसा है और दुकान में नकली शराब बेची जा रही थी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने वहां से 800 फर्जी बारकोड और करीब कुछ कैश भी वहां से बरामद किया है और सेल्समैन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कानपुर में एम्बुलेंस खराब होने पर कर्नलगंज एसएसपी त्रिपुरारी पांडे ने मानवता दिखाते हुए मरीज को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गए, जहां मरीज का इलाज चल रहा है। तो बता दें, कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर अस्पताल की एम्बुलेंस खराब हो गई थी, लेकिन पुलिस ने वहां पर मानवता दिखाई और अपने गाड़ी से पुलिस ने मरीज को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मरीज का इलाज चल रहा है। तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस का ये मानवीय चेहरा सामने आया है। कोरोना के समय में पुलिस के तमाम ऐसे वीडियोज, ऐसे फोटोज सामने आ रहे हैं, जिसमें वो आम जनता की मदद करते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह पुलिस गाड़ी से मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है और जहां अब उस मरीज का इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस अस्पताल की नहीं पहुंची थी समय पर, जिसके बाद इस पूरी घटना की जानकारी जो है पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस तुरंत पहुंची और अपनी ही गाड़ी में मरीज को लिटाया और तुरंत बिना समय खराब करे अस्पताल मरीज को पहुंचाया, जिसके बाद अब मरीज का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
तो बता दें कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है और एक बार फिर से पुलिस ने मानवता दिखाते हुए अपने कर्तव्य को निभाया है। लगातार कोरोना के समय में पिछले बीते 1.5 साल से पुलिस की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस लोगों की मदद करते हुए नजर आती है। कहीं पे चाहे लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो या फिर लोगों तक राशन पहुंचाना हो या फिर लोगों को खाने पीने की चीजें देना हो, ये तमाम तरह की जो पुलिस है ये तमाम चीजें करती हुई नजर आ रही है पिछले 1.5 साल से। और इसी कड़ी में एक बार फिर से जब मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची समय पर तो पुलिस ने अपनी गाड़ी का सहारा लिया और मरीज को अस्पताल पहुंचा दिया समय से, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज दोपहर करीब 3 बजे के आसपास परमट तिराहा कानपुर नगर में वाहनों की जाम की स्थिति लगी हुई थी कि अचानक जाकर वहां देखा तो एक महिला और एक पुरुष एम्बुलेंस और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। तो देखा तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी जिसमें अपने मरीज को भर्ती कराने के उद्देश्य से वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। उनको बचाने के उद्देश्य से तुरंत अपने सरकारी वाहन में लाद कर और उनके पीड़ित के परिवारजनों को लेकर तुलसी हॉस्पिटल पहुंचा और पहुंचने के उपरांत तुरंत उन्होंने वहां से रेफर कर दिया जिसको कि एम्बुलेंस के माध्यम से कोटलाजी कानपुर थाना स्वरूप नगर परिसर में भेजा गया ताकि उनकी जान बच सके और उनका परिवार सकुशल रह सके। धन्यवाद। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली पीपलखेड़ा गांव में एक युवक की एक सप्ताह पहले खतौली गंग नहर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिससे पुलिस ने 3 दिन के तलाश के बाद खतौली के एक राजवाहे से युवक की डेड बॉडी खून से लथपथ बरामद की थी, जिसमें परिजनों और ग्रामीणों की तरफ से हत्या की आशंका जताते हुए खतौली थाने का घेराव किया गया था। वहीं परिजनों की ओर से हत्या का शक जाहिर करते हुए मृतक के दोस्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। उसी से गुस्साए ग्रामीणों ने एक बार फिर से थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया। वहीं थाना अध्यक्ष ने RRF को सुरक्षा की दृष्टि से चलते तैनात भी किया तो वहीं मृतक के परिवार और धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को बमुश्किल और आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर जेल उन्हें भेज दिया जाएगा। बता दें मुजफ्फरनगर का यह पूरा मामला है, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की डेड बॉडी मिली थी। हालांकि परिजनों की तरफ से युवक के दोस्तों के खिलाफ ही मामला भी दर्ज कराया गया था, लेकिन इस पूरी घटना को हुए 1 सप्ताह बीत गया है लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने थाने पहुंचकर थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें समझा बुझाकर वापस उनके घर भेज दिया गया। ये थाने में आज गांव पिपलाड़े के लोग हैं और क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग हैं। यहाँ 10 तारीख में पिपलाड़े गांव का एक बच्चा अज्ञात में नहर में मिला था, रजवाई में मिला, एक लड़का तो ऐसा महसूस हुआ कि वो डूबने से दिखाई दे रहा तो, लेकिन परिवार को शक था कि कहीं ना कहीं इसके साथ कोई दुर्घटना हुई, इसके संबंध में पुलिस को सूचना की गई थी। किन लोगों पर आरोप होकर मामला दर्ज किया गया था? हाँ, कुछ अज्ञात लोगों पर था, कुछ उसमें नाम दर्ज भी है, कॉन्फिडेंशियल बात है। आप क्या चाह रहे हैं, ग्रामीण क्या चाह रहे हैं? तो इसमें सभी गांव के लोग एक चाह रहे हैं कि इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, कोई निर्दोष कोई ना बचे और दोषी कोई ना बचे। वहीं महराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा के ठिठुरी बारी कोतवाली पुलिस और 22वीं वाहिनी SSP की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर के चुंगुल से 2 नाबालिग लड़कियों को भी बरामद कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। भारत नेपाल सीमा पर एक युवक अपने साथ 2 लड़कियों को लेकर नेपाल जा रहा था, तभी ड्यूटी में लगे ठिठू बारी SSP ने सुनील कुमार और आरक्षी रामानुज गौड़ की तरफ से रोककर लड़कियों से पूछताछ की गई, तब दोनों घबराने लगे और जवाब देने में हिचकिचाने लगे, जिसके बाद ड्यूटी में लगे जवानों ने 67वीं वाहिनी के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ASI कुलवंत सिंह, महिला आरक्षी सुजाता मौके पर पहुंची और महिला आरक्षी पूजा तिवारी और मानव सेवा संस्थान के
बबीता शर्मा चाइल्ड लाइन सब सेंटर को भी सूचना दी गई। पुलिस के सख्ती से पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया कि वो लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करता है। दोनों किशोरियों को भी नेपाल में बेचने के लिए वो ले जा रहा था। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से दो लड़कियां बरामद की गई हैं। थाना चुकी बरी पुलिस और एसएसबी के द्वारा एक कैलाश नाम का एक व्यक्ति है, उम्र लगभग 25 साल है, ये नेपाल का निवासी है, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ दो लड़कियां जो नाबालिग हैं, एक कुशीनगर की रहने वाली है और एक हमारे जनपद की रहने वाली है, दोनों को ये ले जाने का उस पार प्रयास कर रहा था, इसको पकड़ा गया। इसने पूछताछ में बताया कि इसका एक बिलासपुर में वहाँ होटल है और होटल में काम कराने के लिए इन लड़कियों को ये पहला फुसला से ले जा रहा था। इस पर सुसंगत धारा में मुकदमा कायम किया गया है और बाकी भी इससे और पूछताछ की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।